लाहूत ला मकान की वजाहत फरमा दें। लोगों ने बहुत सी बातें बना ली हैं। लाहूत ला मकान जो है, एक तो आलम है लाहूत, वो तो आलम ज़ातिया में है, और एक बलूचिस्तान में मकाम भी है। बलूचिस्तान में एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह है। वो बलूचिस्तान का पहाड़ी इलाक़ा है, वहाँ उनका मज़ार है, और उनके मज़ार के अतराफ़ में पहाड़ियों का, गारों का एक सिलसिला है। वहाँ बड़े बड़े अजदहा, बड़े बड़े जानवर पत्थरों के बने हुए हैं। यकीनन ये इंसान की तख्लीक नहीं हो सकता, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। और इसके पीछे जो हकीकत है वो ये है कि ये तमाम जो चीज़ें वहाँ पत्थर की बनी हुई हैं, ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का लश्कर है। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम उंगली का इशारा करेंगे तो वो सारे जानवर जो पत्थर के बने हुए हैं वो सारे ज़िंदा हो जाएंगे। ये इसकी हकीकत है। अच्छा, अगर हमने नहीं देखा होता तो शायद हमारे दिलों में भी शकुक व शुबात होते, लेकिन हम गए थे वहाँ। मेरे ख़्याल है कि 1986 में नदीम भाई के साथ वहाँ हम गए थे, तो कम वेश 34 साल हो गए। बस एक ही दफ़ा जाना हुआ, और वो बड़ा एक पुरस्कार तिलिस्माती मकाम है। वहाँ वो जगह भी मौजूद है कि जहाँ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आके टकराई थी, वो जगह भी वहीं है। दालों के पहाड़ और न जाने क्या क्या वहाँ मौजूद है, लेकिन वो जगह ऐसी है कि वहाँ मगरिब के बाद जाना मना है। मगरिब के बाद वहाँ कोई जाता नहीं है, लेकिन हम लोग गए थे जब, तो हम मगरिब के बाद जो है वहाँ जाना चाह रहे थे, तो वहाँ जो मुजावर था उसने रोक दिया। कहा कि जो मगरिब के बाद गया है उस सब की कब्रें बनी हुई हैं सामने। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें जाना है, भले मर जाएं। तो हम चले गए। तो वहाँ एक चबूतरा था, उसके ऊपर बांस की बनी हुई एक मस्जिद सी थी, बांसों से बनी हुई। वहाँ हम रात को लेट गए, नदीम भाई भी लेटे हुए थे। तो वहाँ मैंने देखा कि जिन्नात चल फिर रहे हैं, और फिर आधी रात के बाद अचानक जो है तिलावत कुरान की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ पहाड़ों के अंदर से आ रही थी। मैं चलता गया चलता गया, मेरा ख्याल था कि मैं आवाज़ के करीब जा रहा हूँ, और आवाज़ भी चल रही थी। तो वो गूंज रही थी आवाज़ पूरे इलाके में। लालबाग के बाद सरकार कुछ अरसे के लिए वहाँ भी गए। सरकार ने तो ज़्यादा वक्त लालबाग में गुजारा है ना। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि सरकार जब जंगल से दुनिया में आ गए थे, तो दुनिया में आके बोर हो गए, उकता गए। लोगों की हरकतें देख के, दुनियादारी से को देख के उकता गए, परेशान हो गए। तो वापस जंगल चले गए लालबाग। तो देखा कि वहाँ दीवार बन गई है, लालबाग बंद हो गया है। तो फिर यहाँ चले गए। फिर जब यहाँ चले गए तो पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, तो बड़ा बोझ महसूस हुआ, चला नहीं जा रहा। तो आपने फिर आंखें बंद करके देखा कि क्या मामला है। तो देखा कि एक रस्सा बंधा हुआ है आपको, और उसके साथ हज़ारों लोग बंधे हुए हैं। उनके बोझ की वजह से आप चलने में दुश्वारी हो रही। तो ये इस बात का इशारा था कि बस आपने दुनिया में रहना है और अपनी ड्यूटी देनी है। उसके बाद क्या हुआ, उस रस्से से तो बहुत सारे लोग बंध गए थे। चलने में दुश्वारी उन लोगों की वजह से हो रही थी कि जो उस रस्से से बंध तो गए थे, लेकिन चलना नहीं चाहते थे। फिर उनको हटाना है, जुदा करना पड़ा, जिसके लिए मुख्तलिफ़ फतवे लगाए गए, कोई मुकदमात बने। तो वो रस्सा आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो गया। उसके बाद फिर वो जो रस्सी है बहुत ही हल्की हो गई। गैबत का वक्त आया तो बिल्कुल ही हल्की हो गई। गैबत का वक्त आ गया तो बहुत ही हल्की हो गई। फिर हमको हुक्म हुआ कि अब ये जो रस्सी है, इसके अंदर सिर्फ तुम चाहने वाले जो होंगे, सच्चे तालिब, उनको जोड़ना। गैबत से पहले तो एरा गरा नत्थू खरा सभी उस रस्सी से जुड़ गया था। फिर उस रस्सी को दोबारा जो है हल्का किया, छांटी हुई कि अब ये रस्सी जो है फिर वो रस्सी एक आदमी के हाथ में दे दी कि अब इनको मुखलिस लोगों को जोड़ना। तो अब वो मुखलिस लोग हम ढूंढ रहे हैं, ईसाइयों में, यहूदियों में भी, हिंदुओं में, सिखों में, जो जो मिल रहा है उसको जोड़ते जा रहे हैं। एक दफ़े ये भी फरमाया कि हुजूर पाक को चाहने वाले लोग शुरू में मिल गए थे और हमको आखिर में मिलेंगे। तो वो लाल बाग के बाद वहाँ का दौरा किया, सरकार ने कुछ अरसा वहाँ भी गुजारा और यकीनन वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ के, बिलावल शाह नूरानी, वो भी बहुत बड़ी हस्ती हैं। एक तो होता है शरीयत का कामिल, एक तरीक़त का कामिल है, वो हकीकत के अकमल हैं, हकीकत की तालीम देने वाले, यानी नज़रों से बचाने वाले। छोटी मोटी ज़ात नहीं है, बहुत बड़ी ज़ात। बिलावल शाह नूरानी बलूचिस्तान में बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी। लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है ना, मशहूर कम होती हैं। अब तो गौस पाक तो इसलिए मशहूर हो गए कि आपके पास जो है वो पूरा का पूरा निज़ाम था, सैयदुल औलिया थे, पीराने पीर। Bringing light, love, and peace in your life.